एक पीर का दीवाना कह रहा है कि ऐ बागे लेके कल कर तेरी याद आ रही है, लेके कल कर जिधर से भी गुजरते थे दीवाने खुद बखुद चल पड़ते थे। अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे में वो नूरानियत जिसने देखा है वो गवाही नहीं देते। मुरादाबाद की सरजमीन पर जब मेरे दादुशरिया तशरीफ लाए मिंबर रसूल पर, पुलिस वाला एक खड़ा देख रहा था दादुशरिया के चेहरे को। जैसे ही नजर पड़ी मेरे दादुशरिया के चेहरे पर, वो दौड़ता हुआ स्टेज के ऊपर आ गया और हजरत दादुशरिया के कदमों में गिर गया और कहने लगा, ए बरेली के मौलाना, जब आप इतने खूबसूरत हैं तो मदीने वाले आका कितने चेहरा देखकर कलमा पढ़ लिया। इसलिए अख्तर परवाज कहता है कि तेरे चेहरे की चमक से हुए कितने दिल इसलिए मुरीद दीवाना जो आशिक होता है वो फिर रो के कहने लगता है कि यहां सुन रहे कुल मिलो पे बाहर
हकीकत बात यह है, आप लोग भी जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दादा दादी यहीं बीते हुए हैं, ये हमारा ही बस्ती है, मेरा खानदान यहाँ से चल रहा है। और आप जानते हैं कि अख्तर को कोई नहीं जानता, हकीकत बात यही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की दुआ लेकर के जब मैं बाहर गया, मुरादाबाद पहली बार पहले साल मुरादाबाद जब मैं गया तो एक जलसे में मेरे दादूश्रिया आए हुए थे। पहली बार ज्यादा हो रही है मेरे दादूश्रिया को मैं जैसे देखा, और खुशनसीबी ये है कि मेरे दादूश्रिया के मौजूदगी में ही मुझे पद्मश्री पढ़ने का भी मौका मिला है ना। जब मैं वहां का नाम पढ़ा तो मेरे दादूश्रिया मुझे दुआएं देने लगे और कहने लगे बेटा कि तू एक दिन बहुत प्रवास करोगे। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ने वही इकट्ठा मिलकर रसूल से ही मुझे ये कहा कि आज से तुम अख्तर अजामत लिखना मत लिख बल्कि अख्तर परवाज लिखना। अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन है और आज का दिन है। अल्लाह नबी की नाम की बरकत से मैं जहां भी जाता हूँ सिर्फ मेरा नाम नहीं होता है, मेरे गांव का भी नाम होता है, हमारे इलाके का भी नाम होता है। आप दुआ करें अल्लाह नजरों से हमारी हिफाजत फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुशरिक ने जब कर्म किया तो इस अख्तर को कोई नहीं जानता, लेकिन जब अख्तर ने अख्तर पर कर्म किया तो अख्तर बना दिया। इसलिए अख्तर परवाज कहता है पर करो रहमतें बरसा।